The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap dosto? Aaj hum janenge ki duniya bhar ki bimariyon ke liye duniya bhar ke lab test reports aap karate rehte hain. पर समझ में आपको कुछ आता नहीं है कि लैब टेस्ट हुआ है, मेरी रिपोर्ट सही है कि गलत है, कोई डॉक्टर बता दे. और डॉक्टर जो है उस लैब टेस्ट को बताने के भी पैसे लेते हैं. ऑब्वियसली पैसे लेंगे, उनका काम यही है कि भैया आप टेस्ट के रिपोर्ट कैसे हैं बताओ, गड़बड़ है तो उसका ट्रीटमेंट बताओ. इसी चीज़ की तो इतनी सालों से पढ़ाई करते हैं. बट एनीवेज, आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद कैसे अपने लैब के रिपोर्ट समझ सकते हैं, अपने टेस्ट रिपोर्ट समझ सकते हैं. लेबोरेटरी टेस्ट या लैब टेस्ट एक प्रोसीजर है जिसमें आपका डॉक्टर जो है या फिर डॉक्टर लैब जो है आपका ब्लड, यूरिन या कोई पानी, बॉडी का फ्लूइड लेगा या कई वगैरह भी बॉडी का टिश्यू या कोई हिस्सा लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं. उस टेस्ट को या तो कोई बीमारी के डायग्नोसिस के लिए, कोई कैंसर या बीमारी के स्क्रीनिंग के लिए, या कोई बीमारी को मॉनिटर करने के लिए कि बढ़ तो नहीं रही, कम तो नहीं, कम हुई कि नहीं हुई, इसको देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है. सो कई बार ये टेस्ट आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम्स या ऑर्गन्स की जनरल इन्फॉर्मेशन एक डॉक्टर को दे देते हैं. तो लैब टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके हेल्थ केयर में, मगर ये अकेले लैब टेस्ट आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ पिक्चर नहीं बताते. लैब टेस्ट के साथ, लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स के साथ आपका हेल्थ हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दोनों बहुत जरूरी हैं ताकि इन सबको मिला के एक डॉक्टर जो है किसी भी डायग्नोसिस पे पहुंचे और ट्रीटमेंट का डिसीजन ले कि भाई किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होगा. सो कब चाहिए आपको लैब टेस्ट, आपको क्यों चाहिए लैब टेस्ट, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सिम्टम है, कोई बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के को डायग्नोस करना है कि मुझे क्या हुआ है, तब टू डायग्नोस या कभी कभी टू रूल आउट कि भी मेरे को ये बीमारी तो नहीं, राइट? तो रूल आउट करने के लिए भी टेस्ट होते हैं कि वो बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो, या फिर किसी बीमारी को स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीनिंग करने मतलब कि ये बीमारी तो नहीं है, उसमें भी होता है. जैसे सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन करने के लिए पैप स्मियर होता है. रेगुलर जो आपके आसपास हेल्थ कैंप्स होते रहते हैं उसमें आपका स्क्रीनिंग करने के लिए ब्लड शुगर हो जाता है, फास्टिंग शुगर, ये शुगर की भी स्क्रीन कर लेते हैं, शुगर कैसा है ना. वैसे ही आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, वो स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं बन रही, तो स्क्रीनिंग उसको बोलते हैं. मॉनिटर करने के लिए टेस्ट किया जाता है, वो क्या है, अगर आपको मान लो शुगर की बीमारी है तो हर 3 महीने में 6 महीने में आपका HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर, घर में जो आप फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर करते हैं, वो मॉनिटर करने का टेस्ट हो गया, लेकिन उसको बोलते हैं कि बीमारी को मॉनिटर करने वाला टेस्ट हो गया. कि किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है तो इकोकार्डियोग्राफी, ECG साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 2 साल में एक बार, वो हो गया टेस्ट. सो इससे क्या पता चलेगा कि बीमारी बढ़ तो नहीं रही, ट्रीटमेंट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शुगर कंट्रोल है कि नहीं है डायबिटीज में, ऐसी किस्म. इससे मदद मिलती है ट्रीटमेंट चेंज करना, अल्टर करने में. सो लैब टेस्ट फॉर ओवरऑल हेल्थ, इसके लिए कई बार सवाल आता है कि भाई ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या टेस्ट करना है, तो वो रूटीन चेकअप. वो रूटीन चेकअप आपकी उम्र के हिसाब से, एज के, आपके जेंडर के हिसाब से, आपकी वैसे फिजिकल कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकते हैं. उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है एक डॉक्टर से कंसल्ट करना और वो आपकी कंडीशन देख के, आपके स्पेसिफिक, आपके लाइफस्टाइल को देख के, फिजिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको टेस्ट लिख के दें. और ये टेस्ट आपको इवन बीमारी या प्रॉब्लम होने से पहले हम पकड़ सकते हैं कि हाँ कुछ तो दिक्कत हो रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, बाहर का खाना बंद करना है, दारू पीना बंद करना है, वट एवर यू आर डूइंग रॉन्ग यू हैव टू करेक्ट दैट अनलेस एंड अंटिल. अगर आपके अगर नहीं करोगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दवा लेनी पड़ी. तो यही सारी चीजें आपके टेस्ट में पता चलती है. सो टेस्ट कराएं. सो लैब टेस्ट का मतलब क्या, आप कैसे पता चले? लैब टेस्ट में हर एक लैब में कोई ना कोई रेफरेंस नंबर दिया जाता है. कई बार ये नॉर्मल वैल्यूज रेफरेंस नंबर के नाम से आपको मिलेगा और ये आपके रिजल्ट के पास ही लिखा रहता है. और ये जो रिपोर्ट है कई अलग अलग लैब में अलग अलग आती है. ये इसीलिए क्योंकि हर एक लैब की मशीन अलग होती है टेस्ट करने वाली, कई बार उनके रिएजेंट्स अलग होते हैं और जिस कंपनी की मशीन है उन्होंने उनको रेफरेंस वैल्यू दी होती है कि हमारी मशीन में हमारे रिएजेंट से ये रेफरेंस वैल्यू है इतने से इतने के बीच में. सो इसीलिए उस लैब के, उस मशीन के रेफरेंस वैल्यू को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल रेंज में है या बिल्कुल अभी लोअर साइड में आ रही है, ठीक ठाक है, बहुत हाई है या लो है, ठीक है. सो रेफरेंस रेंज जो होते हैं ये कई सारे नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एक लार्ज ग्रुप ऑफ हेल्दी पीपल के टेस्ट करने के बाद डिसाइड होती है. ये वो लैब जिसने, जो कंपनी जिसने मशीन बनाई है, वो मशीन के बहुत सारी टेस्टिंग होने के बाद डिसाइड है, तो उस मशीन के लिए नॉर्मल रेंज ये है, ठीक है. व्हाट इज अ, एक इसमें एक डाइसी सिचुएशन भी होती है क्योंकि हर इंसान टिपिकल नहीं होता.
अब अगर 1000 लोगों को या 1 लाख लोगों को टेस्ट करके नॉर्मल रेंज निकालिए तो जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ लोगों के लिए वो नॉर्मल रेंज ही बिल्कुल सही होगी। कई ऐसे भी हेल्दी लोग होते हैं जिनकी उस टेस्ट की रिपोर्ट उस नॉर्मल रेंज से बाहर निकले लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं, कोई प्रॉब्लम ना। जहाँ और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम है लेकिन उनका टेस्ट जो है नॉर्मल रेंज में आ रहा है। तो इसलिए लैब रिपोर्ट सबसे सारी एक बराबर नहीं होती और सिर्फ लैब रिपोर्ट के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपके सिम्टम्स पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके आपके एग्जामिनेशन पे और लैब रिपोर्ट सारा मिला के। और कई बार हमें कंफर्म करना होता है कि लैब रिपोर्ट दूसरे लैब से करा लो, क्योंकि कई बार एक ही लैब जो है अगर वो अपने ही मशीन जो एक पर्टिकुलर मशीन है उसका ख्याल ना रखे, उसको सफाई ना करे, उसके जो भी उसमें कैलिब्रेशन होता है वो ना करे तो रिपोर्ट्स गलत आनी शुरू हो सकती है। तो इसी वजह से कई बार इंडिया के अंदर खासकर रिपोर्ट्स कंफर्म करनी पड़ती है कि दूसरे लैब से कराओ, तीसरे लैब से कराओ, तब पता चलता है। सो ऐसे केस में जब आपको सिम्टम है और रिपोर्ट उससे कोरिलेट नहीं हो रही तो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू मोर टेस्टिंग या डू रिपीट टेस्टिंग। ठीक है, अब रिपोर्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि 2-3 उसमें फंडे होते हैं। एक तो होता है कि रिपोर्ट नेगेटिव है या नॉर्मल है, उसका मतलब यह है कि बीमारी या बीमारी को पकड़ने वाली जो सब्सटेंस है वो आपके ब्लड में या आपके यूरिन में जो भी सैंपल लिया है उसमें नहीं मिला। पॉजिटिव का मतलब है यानी एबनॉर्मल, यानी कि आपके वो बीमारी या उस बीमारी को पकड़ने वाली चीज मिल रही है तो वो गड़बड़ है। और इनकंक्लूसिव या अनसर्टेन का मतलब है कि उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है या उतना सैंपल नहीं है या उतने सेल्स उतने उसमें एबनॉर्मल चीज नहीं मिली कि हम उसे बोल सकें कि हाँ बीमारी है या बीमारी नहीं है। इनकंक्लूसिव में आपको कई बार फिर से टेस्ट या दोबारा और टेस्ट या अलग टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। पॉजिटिव या नेगेटिव से आपको पता चल जाता है कि बीमारी है कि नहीं, फिर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। अब एक और फंडा होता है इसमें, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ये क्या चीज है? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपके टेस्ट बता रहे हैं कि आपको एक बीमारी है लेकिन एक्चुअली में आपको वो बीमारी नहीं है, ऐसा भी होता है। और इसका उल्टा भी होता है कि आपको वो बीमारी है लेकिन आपके टेस्ट बता रहे हैं कि आपको नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है कोरोना। तो कोरोना अगर आपको फैमिली में लोगों को तीनों को पॉजिटिव आया है, आपका नेगेटिव आया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके अंदर कोरोना गया है और आपको आपके अंदर इफेक्ट ही नहीं हुआ और सब आके सबको हुआ है, आपको थोड़ी छोड़ देगा। तो आपके अंदर भी जाएगा और नेगेटिव आ जाए इसका मतलब, और प्लस आपको सिम्टम भी है, खांसी भी आ रही है लेकिन कोविड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। ये एक परसेंटेज ऑफ होते हैं, अलग अलग टेस्ट के अलग अलग परसेंटेज होता है। किसी किसी टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव 2%, 4%, 10% तक भी हो सकते हैं। तो फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हमें देखने होते हैं। जैसे कि एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है TMT, अगर TMT में हम देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, TMT पॉजिटिव आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट के हार्ट की नसों में ब्लॉकेज ही होगा, हो सकता है उसको खून की कमी हो। एनीमिया वाला पेशेंट है जो मेन ऑक्सीजन लेके जाने वाले रेड ब्लड सेल्स है वही कम है, तो अल्टीमेटली TMT पॉजिटिव आएगा लेकिन हार्ट की ब्लॉकेज नहीं होगी। तो ऐसे फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव टेस्ट होते हैं। तो ये डिसीजन, ये जानकर, ये समझदारी डॉक्टर की है कि आपके केस में आपकी पूरी सिस्टम को देख के कि आपके केस में जो टेस्ट है उसका क्या मतलब निकाला जाए। ऐसे कोई इनकरेक्ट टेस्ट होते हैं, ये बहुत रेगुलर नहीं होते लेकिन होते हैं। तो ऐसे केस में आपका रेयर केस तो नहीं है, इनकरेक्ट टेस्ट तो नहीं है जो आपके सिम्टम के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, तब आपको और टेस्ट करने की जरूरत है या मल्टीपल टेस्ट करने की जरूरत, ताकि मेक श्योर करें कि हाँ ये बीमारी है और उसका इलाज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो भी टेस्ट आप कराते हो, ऐसे कई सारे टेस्ट हैं जो कुछ चीजों पे और अफेक्ट करती हैं, जैसे आपने क्या खाना खाया, आपने पानी, आपने ड्रिंक क्या किया। मान लीजिए आपने खाली पेट, अगर आपने अपना लिपिड प्रोफाइल नहीं कराया, कोलेस्ट्रॉल लेवल खाली पेट नहीं कराया, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा आ सकता है। 12 घंटे फास्टिंग के बाद कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो अगर एक दिन पहले आपने दारू पी है और दारू पीने के बाद अगले दिन आपने लिवर फंक्शन कराया, लिवर फंक्शन आपका खराब आ सकता है। कुछ दवाइयों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से आपका बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, आपकी शुगर बढ़ी हुई मिल सकती है, हो सकता है बाकी सब टाइम आपकी शुगर बीपी नॉर्मल हो, टेंशन चल रही है तो आपकी बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारा एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज की वजह से आपकी शुगर कम हो गई, वैसे आपकी शुगर बढ़ी हुई रहती है, उस दिन एक्सरसाइज कर ली तो उस दिन शुगर कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर भी हमें देखने होते हैं कि कहीं क्यों, अगर कोई टेस्ट कम आया है तो कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, कोई ऐसा फैक्टर, कोई दवा, कोई चीज़ तो नहीं है। अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन बहुत कम आ गया, किसी का टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट बहुत कम आ गई, तो कहीं उसने कोई दवा तो नहीं ली जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, या कोई ऐसी दवा ले ली हो जिसमें किसी ने उनको कोई स्टीरॉयड मिला के दे दिया हो, ऐसा भी होते हैं। कई बार ऐसे दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, पावर बढ़ा लो, ये बढ़ा लो, स्टीरॉयड की दवा मिला के दे दी जाती है। तो कई चीज़ों को मद्देनजर रख के सोचना होता है कि ये रिजल्ट आया है, गलत आया तो क्यों आया। ठीक है, और यही सारी डिस्कशन आपको अपने डॉक्टर के साथ करनी है, और यही आपके डॉक्टर का काम है कि आपके साथ ये डिस्कस करें कि भाई आपके ट्रीटमेंट में क्या विडंबनाएं आ रही हैं।
तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपके लैब के साथ है तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और इसी चीज के पैसे वो लेते हैं कि आपको ये समझाएं, डिस्कस करें, समझे। तो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैब टेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और शेयर करें इसको जितना हो सके, कमेंट करके बताएं नीचे कि आपका कभी कोई इस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रॉब्लम हुआ है टेस्ट के हिसाब से और आपके डॉक्टर ने आपको समझाया है कि नहीं समझाया, ये जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी समझे कि दूसरे डॉक्टर समझाते भी हैं कि नहीं समझाते। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।